हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल जुकीनी की सब्ज़ी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी मैंने एक रेस्टोरेंट में ट्राई की थी और तब से मैं इसकी फ़ैन हो गई, तो मैंने इसे अपने तरीके से ट्राई किया और ये बहुत अच्छी टर्न आउट हुई। तो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैंने तेल में थोड़ा सा हींग लिया है, तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। हींग डालने के बाद मैंने इसमें अप्रॉक्सीमेटली दो चम्मच जीरा डाला है। जीरा को अच्छे से हम क्रैकल होने देंगे। जीरा क्रैकल होते ही थोड़ा सा इसमें मैंने लहसुन, अदरक एंड उसके बाद उसे अच्छे से चला लिया है। जब ये सब अच्छे से पक जाए तब आप इसमें कटा हुआ प्याज डालें। प्याज का कट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगी कि आप इसे हाथ से ही काटें और ना इसमें कोई चॉपर का यूज़ ना करें। और इस प्याज को हमें तब तक अच्छे से भुनना है जब तक एकदम क्रिस्प ना हो जाए। ये स्टेप इस रेसिपी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप अपने प्याज को अच्छे से 7 से 8 मिनट तक भून लें। प्याज अच्छे से भुनने के बाद इसमें हम 2 चम्मच धनिया, 3/4 चम्मच मिर्च और 3/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला जब भी आप पहले डालते हैं तो उसे भुनने से उसमें सूखी सब्जी में अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने मसाले हमेशा पहले डालूँ। जब थोड़ा मसाला भुन जाएगा तो हम उसमें अच्छे से सॉस डालेंगे। सॉस की वजह से सब्ज़ी में काफ़ी टैंगीनेस आएगी और ये चटपटी खट्टी मीठी सी बनेगी। अब बस हमने इसमें अपनी जुकीनी कटी डाल देनी है। जुकीनी को आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इवनली शेप काटने की कोशिश करी है। इससे क्या होता है कि सब्ज़ी इवनली पैन पे लगती है और अच्छे से सिकती है। इस स्टेप के बाद मैं इसमें अब नमक डाल के इस सब्ज़ी को बंद करके पकने के लिए रख दूँगी। एटलीस्ट आई विल से अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 मिनट। बीच बीच में मैं इसे चेक करती रहूँगी। बस आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अभी इसे मिक्स करने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं डाल दूँगी और इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसमें मैं धनिया डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ आपको, लेकिन इस सब्ज़ी को मैंने एक दो बार बीच में ढक के इसे पका के फिर चेक किया है। एंड फिर आप इस स्टेप में देख सकते हैं अब काफ़ी अप्रॉक्सीमेटली 7-8 मिनट हो गए थे इस टाइम पे सब्ज़ी को पकते हुए। अब मैंने इसको अच्छे से चलाया है और सब्ज़ी देख सकते हैं एकदम करारी हो रही है। तो यही हम चाहते हैं सब्ज़ी में कि सब्ज़ी एकदम करारी हो, क्रिस्प हो और टेस्टी बने। एंड बस आपकी सब्ज़ी बन के तैयार होगी 7-8 मिनट में। और ये है जुकीनी की सब्ज़ी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे साथ अपने क्रिएशंस शेयर करें और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़ लाइक दिस। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक बिग थम्स अप दीजिए, कमेंट कीजिए नीचे और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।